गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग तुलसीदास जी की रचना जो श्री रामचरितमानस से भरत महिमा शीर्षक के अंतर्गत जो पद्यांश है उसका आगे अध्ययन करेंगे। मिली सपेम रिपु सुदन ही केवटो भटेउ राम भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। इन पंक्तियों में लक्ष्मण एवं सीता से भरत शत्रुघ्न केवट और गुरुओं के मिलने का तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। देखिए, श्री राम जो हैं वो किससे मिल रहे हैं? श्री राम सप्रेम यानी प्रेम के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ, रिपु सूदने ही याने अपने छोटे भाई रिपु सूदन याने शत्रुघ्न से मिली याने मिलकर केवटु भटेउ फिर केवट से प्रेम सहित मिले। भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। भरत जी जो हैं प्रणाम प्रणाम करते हुए लक्ष्मणी लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ, कैसे? भूरी भाई यानी अत्यधिक प्रेम के साथ भेंटे, भेंटे मतलब मिले। यहां पे बच्चों है कि श्री राम जो हैं अत्यंत प्रेम के साथ अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से प्रेम सहित मिले। साथ ही भरत जी जो हैं वो प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले। भेटहु लखन ललकी लघु भाई बहुरी निषादु लीन उर लाई। यहां भरत जी से गले मिलने के उपरांत लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई लखन ललकी ही यानी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से, लघु भाई यानी छोटे भाई कौन है? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न से मिलकर भेटुहु अत्यंत उमंग के साथ वो उनसे मिलते हैं। बहुरी निषादु लीन और लाई और फिर उन्होंने क्या किया? बहुत सम्मान से निषाद राज को अपने हृदय, और मतलब हृदय, अपने हृदय से लगाया यानी निषाद राज को अपने गले से लगाया। पुनि मुनिगण दुहु भाइन बंदे तदोपरांत दुहु भाइन यानी दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहां उपस्थित मुनिगण यानी मुनिगणों की बंदे यानी वंदना की। तदुपरांत दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहां उपस्थित मुनिगणों की वंदना की। अभिमत आशीष पाई आनंदे और अभिप्सित आशीष यानी आशीर्वाद को पाया और अत्यधिक आनंदे यानी आनंद प्राप्त किया। अभिप्सित मतलब वो अपने इच्छा के अनुरूप उन्होंने जैसी उनकी इच्छा थी वैसे ही उन्होंने आशीष को प्राप्त किया। सानुज भरत उमगी अनुरागा सी धरी सिर सिए पद पदुम परागा। यहां पे बच्चों भरत जी जो हैं सानुज यानी छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ उमगी अनुरागा यानी प्रेम में उमग कर अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ सिए पद यानी सीता जी के पद पदुम परागा चरण कमलों को, पद यानी पैर या चरण
पद्म परागा मतलब कमलों की धूल को, चरण कमलों की धूल को सिर धरी यानी सिर पर धारण करके उन्हें क्या किया, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, उन्हें पुनि पुनि यानी बार बार प्रणाम किया। सिर कर कमल परसी बैठाए और उन दोनों को क्या किया, सीता जी ने उन दोनों भाइयों को उठा करके कर कमल यानी कर कमलों से अपने हाथों से, कर मतलब हाथ, अपने कर कमलों से सिर का परसी, परसी मतलब स्पर्श करके, सिर का स्पर्श करके उन्हें क्या किया, बैठाया, अपने पास बैठाया। यहां एक बार फिर से आप लोगों को बता दें कि भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम में उमग कर अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। तब सीता जी ने प्रणाम करते हुए दोनों भाइयों को उठाकर अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श करके अपने पास बैठाया। फिर क्या हुआ, सीए आशीष दीन मनमानी। हाँ, सीता जी ने क्या किया, मन के अनुरूप आशीष प्रदान किया। मगन स्नेह देह सुधि नाही, उनके स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को अपने देह यानी अपने शरीर की सुधि नाही, सुध बुध ही नहीं रही। सब विधि अनुकूल लघु लखी सीता, सब विधि यानी सब प्रकार से सीता जी को, सीए सीता, सीता जी को सब प्रकार से सा अनुकूल यानी अपने अनुकूल, लखी मतलब देखकर, भी निसोच और अपडर बीता। हाँ, उनके मन की जो शंकाएं थी और जो डर था, अपडर यानी जो उनके मन में डर है, और मतलब हृदय, हृदय में जो भी या मन में जो भी उनके डर था वो क्या हो गया, बीत गया यानी कि वो चला गया, उनके मन की शंकाएं भय समाप्त हो गया। और वे सब कैसे हो गए, निसोच यानी फिर सब प्रकार से वो निश्चिंत हो गए, जो उनके में डर था कि श्री राम और लक्ष्मण और सीता क्या कहेंगे क्या बोलेंगे और इस बात का उनको भय था, वो सब भय चला गया। को कछु काए कहई न कोई कछु पूछा। हाँ, कोई किसी से उस समय ना तो किसी ने कुछ कहा और ना ही किसी ने कुछ पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, और प्रेम से सबके मन जो है केवल प्रेम से ही परिपूर्ण थे। निज गति मन निज गति छूछा एवं मन जो है अपनी गति से क्या हो गया, गति से रहित थे। यहाँ पे ही बता रहे हैं कि सबके मन जो है केवल प्रेम से परिपूर्ण थे एवं अपनी गति से वो रहित थे, मतलब उनके मन में और कोई बात फिर चल नहीं रही थी। ते ही अवसर उस समय केवटु धीरज धरु, केवट ने धीरज धारण करते हुए जोरी पानी दोनों हाथों को अपने जोड़ करके बिनवत प्रणाम करी, जोड़ करके प्रणाम करके श्री राम से क्या की, बिनवत यानी बिनती की। यहाँ पे है कि उसी समय केवट ने क्या किया, धीरज धारण कर दिया, अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके श्री राम से विनती की। तो बच्चों ये रही इसकी व्याख्या। अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इसमें बच्चों भाषा आप लोग अवधि लिखिएगा,
और इसमें रस शांत लिखिएगा और छंद जो है दोहा और चौपाई है। नाथ नाथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल रियो। इस पंक्तियों में उस समय का मनोहारी वर्णन हुआ है जब क्या है केवट जो है श्री राम केवट से श्री राम ने ये सुना कि उनसे मिलने के लिए माताएं गुरुजन और अन्य जो नगर निवासी हैं अयोध्या वासी हैं वे भी आए हैं। तो श्री राम ये सुनकर उनसे मिलने के लिए क्या होते हैं दौड़ पड़ते हैं। उसी का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। देखिए लिखा है नाथ नाथ मुनि नाथ के यानी केवट ने श्री राम से विनती की हे प्रभु नाथ नाथ मुनि नाथ के हे प्रभु मुनियों के स्वामी मुनि नाथ यानी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ मातु सकल पुरलोक माताएं और सकल यानी संपूर्ण जो है पुर लोग यानी अयोध्या वासी या नगर निवासी सेवक सेनप यानी सेनापति सचिव यानी मंत्री सब मंत्री आए विकल वियोग। वो श्री राम कैसे आए हैं वो विकल हो करके माने आपके वियोग में वियोग से व्याकुल हो करके आपसे मिलने के लिए आए हैं। एक बार फिर से पूरे का देख लीजिए। यहाँ पे जो केवट है केवट ने श्री राम से विनती की कि हे प्रभु नाथ नाथ मुनि नाथ के यानी मुनियों के जो स्वामी हैं वो मुनि श्रेष्ठ यानी वशिष्ठ जी के साथ माताएं और सकल यानी संपूर्ण पुर लोग यानी नगर निवासी सेवक सेनाप यानी सेनापति सब सचिव यानी सभी सेनापति यानी सभी मंत्री आए विकल वियोग आए हैं कैसे वियोग से व्याकुल होकर वियोग से विकल विकल मतलब व्याकुल व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हैं। आगे व्याख्या देखिए सील सिंधु सुनी गुर आवगन आगवनु सिए समीप राखे रिपु रिपुद वनु चले सबेग रामु ते ही काला धीर धर्म धुर दीन दयाला। यहाँ पे केवट के मुख से जो है गुरुओं के आगमन की बात को सुनकर गुरुओं के आने की बात को सुनकर जो सील सिंधु हैं यानि शील के समुद्र यानि जिनका स्वभाव क्या है शील है उसके जो समुद्र हैं अर्थात जो श्री राम है वो सील समुद्र श्री राम सुनी गुरु आवगनो गुरुओं के आगमन की बात को सुनी यानी सुनकर सीए समीप सीता के पास राखे रिपुत वनु श्री राम जो है रिपु वदनु यानी शत्रुधन को सीता के समीप सीता के पास राखे यानी रखकर या छोड़कर चले सवेग ये वेग के साथ सवेग यानी वेग के साथ राम ते ही काला उस समय वो जो है धीर धर्म धुर दीन दयाला धीर यानी धीरता धर्म और धर्म की धुर यानी धुरी धीरता और धर्म की धुरी एवं दीन दयालु श्री राम जो है ते ही काला उस समय सवेग अत्यधिक वेग से अत्यधिक
प्रेम से तीव्र गति के साथ उनसे चले चले यानी उनसे मिलने के लिए चल पड़े। किससे मिलने के लिए? ये गुरु और वशिष्ठ जी और माताएं और जो नगर निवासी और जो सेवक और जो सेनापति और सब मंत्री जो आए हुए हैं उन सब से मिलने के लिए वो वहां पे चलते हैं। गुर ही देखी सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुर ही देखी, हाँ गुरु वशिष्ठ को देख करके सानुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण सहित अनुरागे, अनुरागे यानी प्रेम से भर कर जो प्रभु है अर्थात यहाँ पे वर्णन है ना प्रभु लागे, प्रभु जो है श्री राम जो है वो अनुरागे यानी प्रेम से भर कर दंड प्रणामा उन्हें दंडवत प्रणाम करन यानी करने चल पड़े करने लगे। मुनिवर एक बार फिर से आप लोगों को बता दें कि गुरु ही देखी यानी गुरु वशिष्ठ को देखकर सानुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण सहित जो राम है वो अनुरागी यानी प्रेम सहित प्रेम से भरकर दंड प्रणामा उन्हें दंडवत प्रणाम करन यानी करने लागे मतलब लगे। मुनिवर धाई लिए और लाई तब मुनि श्रेष्ठ, मुनिवर मतलब मुनि श्रेष्ठ यानी मुनियों में जो श्रेष्ठ है वशिष्ठ जी ने धाई दौड़कर लिए और लाई उन्हें गले से लगा लिया। प्रेम उमगी भेंट दो भाई, इस प्रकार वे अत्यधिक प्रेम से भर करके दोनों भाइयों से मिले, भेंटे मतलब मिले। प्रेम पुलकी केवट कही नामो, उनके प्रेम से पुलकित केवट ने कही नामो यानी अपना नाम लेकर कीन दूरते दंड प्रणामा, हाँ दूर से ही उन्हें क्या किया दंड प्रणामो दंडवत प्रणाम कीन मतलब किया। केवट चूंकि वो छोटी जाति का था ना और ये गुरु वशिष्ठ हैं मुनियों में श्रेष्ठ तो उनसे वो गले नहीं मिला बल्कि वो क्या किया उन्हें दूर से ही प्रणाम किया अपना नाम बता करके। राम सखा, राम के का मित्र ऋषि बरबस भेटा, हाँ राम का मित्र जानकर ये वरिष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने जो क्या किया उससे बरबस ऐसे मिले मतलब कि वो ऐसे मिलते तो नहीं लेकिन ये चूंकि राम के मित्र हैं इसलिए उनसे कैसे मिले बरबस भेटा, बरबस ऐसे मिले जनु, जनु मतलब मानो मही लुठत स्नेह समेता, मानो उन्होंने भूमि पर मही मतलब भूमि, भूमि पर लुठत मतलब लौटते हुए स्नेह यानी प्रेम को समेटा, समेटा मतलब उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया। रघुपति भक्ति सुमंगल मूल, रघुपति यानी भगवान राम की भक्ति यानी भक्ति, भगवान राम की भक्ति सुमंगल मूल समस्त मंगलों की, समस्त यानी शुभ, सुमंगल यानी शुभ ठीक है, सुमंगल सुमंगलों की मूल, मूल मतलब जड़, जड़ है। नभ सराही सुर बरसे ही पुल, हाँ आकाश से नभ, नभ मतलब आकाश, आकाश से क्या हुई सराही सुर यानी देवताओं, इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग आकाश से क्या कर लेने लगे बरसे ही फूल, आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और क्या कहने लगे एही सम निपट नीच को होना, इसके समान यानी केवट के समान कोई नीच नहीं है,
कोई नीच व्यक्ति नहीं है। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और इन मुनि वशिष्ठ जी के समान जो है, सम मतलब समान, जग यानी संसार में कोई श्रेष्ठ, बड़ मतलब श्रेष्ठ, कोई श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ पे ये क्या करने लगे देवता, इस प्रकार से सराहना करते हुए देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे और क्या कहने लगे कि इस केवट के समान नीच कोई नहीं है और इन मुनि वशिष्ठ जी के समान इस संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। यही फिर आगे है, जे ही लखी लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनि राउ, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाउ। इसका बच्चों आपको काव्यगत सौंदर्य बताते हैं ऊपर वाली का, कि प्रभु की राम की भक्ति की इसमें महिमा का तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। भाषा आप लोग अवधि लिखिएगा, और शांत एवं भक्ति रस इसमें है, और छंद जो है दोहा एवं चौपाई है। अब ये लास्ट वाले दोहे का हम लोग अर्थ देखेंगे। जे ही लखी, यहाँ पे जो है इसमें आप प्रसंग पहले देखिए कि इस दोहे में भगवान राम जो है कि भक्ति के प्रभाव का वर्णन किया गया है कि उनकी भक्ति के कारण क्या है, कुछ भी संभव हो सकता है। यहाँ पे जे ही लखी लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनि राउ, जिस केवट को लखी मतलब देख करके, लखनहु ते अधिक है, लखनहु यानी लक्ष्मण, लखनहु मतलब लक्ष्मण, ते अधिक है, लक्ष्मण से भी अधिक मिले मुदित मुनि राउ। हाँ, ये मुनियों में श्रेष्ठ जो है वशिष्ठ जी अधिक प्रसन्नता के साथ मिले। क्यों उसे अधिक प्रसन्नता के साथ मिले, क्योंकि वो क्या है, राम जी के भक्त, राम की भक्ति के कारण वो उनकी भक्ति करते हैं, इसलिए वो मुनि विशिष्ट को भी उनसे मिलना पड़ा है। और कैसे वो मिले हैं, लक्ष्मण से, लक्ष्मण ते अधिक, लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता के साथ मिले। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रदेव, हाँ वह सब सीतापति यानि श्री राम के प्रति भजन को यानि भक्ति के प्रताप का ही प्रभाव यानि प्रभाव है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो राम की भक्ति करते थे, इसलिए उनके भक्ति के प्रताप का ही प्रभाव है, जिसने क्या किया है, जिसने केवट और वशिष्ठ का भी मिलन करा दिया। मतलब एक उच्च कुल वाला और एक नीच जाति का, निम्न कुल वाला व्यक्ति का मिलाप करा दिया। तो यहाँ पे बच्चों आपका अवगत सौंदर्य लिखिएगा कि श्री राम की भक्ति के द्वारा व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को भी क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। रस भक्ति रस है, भाषा जो है बच्चों अवधि है, और इसमें आप छंद क्या लिखेंगे, दोहा। अलंकार जो है अनुप्रास, क्योंकि देखिए ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, म वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो जितना पढ़ाया है उसको वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।